बात एक स्कूल की नहीं, बात एक पेरेंट्स की नहीं, बात पूरे सिस्टम की है, व्यवस्था की है, सरकार के बनाए नियमों की लगता है स्कूल परवाह नहीं करते। कई स्कूल हैं, ऐसा एक स्कूल है टैगोर गार्डन का कैम्ब्रिज स्कूल, जिसके मनमाने रवैये के खिलाफ पेरेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया। ये है राजश्री, सर पर माँ बाप का साया नहीं था। बुआ ने उसका दाखिला टैगोर गार्डन के कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल में कराया। राजश्री ने सोचा था कि गरीब बच्चों के कोटे से हुए उसके दाखिले में फीस के बोझ तले उसका भविष्य नहीं दबेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। स्कूल ने राजश्री को इस कोटे में शामिल नहीं किया और फीस बढ़ा दी। जाहिर है राजश्री के पास अब स्कूल छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से एडमिशन कराया, एडमिशन कराने के बाद इन्होंने कहा फीस माफ कर देंगे। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई 8 जुलाई को आगे कहते हैं जी आपकी फीस माफ नहीं हुई। मेरा लो इनकम सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, उनको सिर्फ पेंशन मिलती है। इन्होंने कहा मैडम नहीं, ये आपका फीस माफ नहीं हो सकता। मैंने इतनी मुश्किल से पिछला साल क्लियर किया कि मैं आपको बता नहीं सकती, बिस्तर में रह के। अब मैं अपने एक बच्चे को निकाल रही हूँ क्योंकि दूसरा बच्चा मेरा 10th में पढ़ता है, उसको मैं निकाल नहीं सकती। और हम इनके लिए बस टीसी के लिए आई थी, फिर कह रहे 2 महीने की फीस दो। मैं 2 महीने की फीस जो देनी है, मैं इसे किसी और स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, मैं बच्चे की लाइफ स्पॉइल ना हो। लेकिन स्कूल प्रशासन ये सभी आरोप सिरे से खारिज कर रहा है। वो तो डंके की चोट पर कह रहा है कि स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दी जाने वाली मदद के नियम का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। EWS के हम बड़े स्ट्रिक्टली, हमारे डिपार्टमेंट मॉनिटर करती है, हम बिल्कुल रूल्स फॉलो कर रहे हैं, किसी बच्चे को नहीं निकाला। फीस बढ़ाने को लेकर स्कूल की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार इस मनमानी को रोक पाने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। सरकार ने ऑर्डर दिए थे कि पीटीए की मर्जी के बगैर फीस नहीं बढ़ा सकते, और हम जो है पिछले साल से लड़ रहे हैं कि इनकी जो पीटीए बनी हुई है वो फर्जी तरीके से बनी हुई है, जिसकी हमने कंप्लेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी करी थी, और वहाँ से क्लियर इंस्ट्रक्शन आ गया कि आपकी जो मेमोरेंडम इशू हुआ स्कूल को कि आपने जो पीटीए बनाई है वो इलीगल तरीके से बनाई है। उसके बावजूद इन्होंने दोबारा से 10% की फीस बढ़ा दिया, बिना पीटीए बनाए हुए, बिना इलीगल पीटीए को काम में लेते हुए इन्होंने दोबारा से फीस बढ़ा दी। स्कूल जब लैंड ली जाती है तो डीडीए से, तो इनको सब्सिडाइज रेट भी दी जाती है, क्योंकि उसमें ये सोशल कॉज के लिए स्कूल खोलते हैं। उसमें बाइलाज होते हैं कि 25% बच्चे फ्री पढ़ाएंगे, ब्रदर सिस्टर कंसेशन देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे एजुकेशन देंगे, पर आज उसकी वायलेशन होकर स्कूल वाले सरेआम लूट रहे, जिसका नमूना आपने अभी देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मजबूरन स्कूल से निकालने पे मजबूर हैं। उधर शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने एक बार फिर ये साफ किया है कि स्कूलों को कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो बिना पीटीए की रजामंदी के फीस नहीं बढ़ा सकते। हालांकि उन्होंने माना कि कई शिकायतें मिली हैं जिनमें स्कूलों के मनमाने के तरीके से फीस बढ़ाने की बात है। उन्होंने इन शिकायतों की जाँच भी शुरू कर दी है। गरिमा शर्मा, दिल्ली आज तक। ये कि स्कूल की बात नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी की बात है, समाज की बात है, उस समाज में जिसमें हम और आप रहते हैं। और अब वो स्थिति है जहां एक वक्त जब इस देश में शिक्षा गुरु तमाम इन टर्म्स को बहुत ऊंचे ओहदे पर रखा जाता था, वहां स्थिति यह है कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल लूट रहे हैं। लूटना क्रिमिनल ऑफेंस होता है। इस मसले पर हम बात करेंगे और बहुत संजीदा बातचीत करेंगे। हमारे साथ में सुमित वोरा हैं, जो कि VR1 एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं, और ओनिका मेहरोत्रा हैं, जो कि कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ओनिका जी, सबसे पहले ये जब सरकार जो एक व्यवस्था होती है जिसको आप और हम सभी पालन करते हैं, उससे समाज चलता है। सरकार कभी भी किसी वक्त में कोई सी भी रही हो जी, क्या उसकी बात मानना, आप बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि फॉलो द रूल्स, ओबे द रूल्स, तो क्या ये सारी चीजें स्कूलों पे लागू नहीं होती? क्यों नहीं होती? आप जनरलाइज टर्म पे बात मत करिए। स्कूलों ने बेहतरीन काम कर रखे हैं, जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति देखिए, दयनीय है। जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल नहीं पढ़ा के पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, जबकि उनकी ड्यूटी है कि अपने सेंट्रल स्कूल में पढ़ाएं। पब्लिक स्कूल ने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स कर रखा है कि बेहतरीन शिक्षा दें। डेफिनेटली उसमें ये फैक्टर जरूर आता है कि कॉस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा होता चला रहा है और पेरेंट्स उसका अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कहना कि गवर्नमेंट को नहीं मानना, ये गलत है। गवर्नमेंट के रूल माने जाए, फीस की बढ़ोतरी, अरविंदर सिंह शिक्षा दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय का आदेश है कि फीस की अगर बढ़ोतरी करें, पीटीए से बातचीत करें। जस्टिफाई करेंगे सर, अगर आप जस्टिफाई करेंगे वैसे 10% आप बढ़ा सकते हैं, बिकॉज एनुअल इंक्रीमेंट तो होनी है, स्टाफ को देना है, चाहे वो आपका सपोर्ट स्टाफ हो, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो आपका हेल्पर क्यों ना हो, हर जगह पे सैलरी बढ़ती है, उसका जो रिटर्न है वो फीस से ही आएगा। हाँ, ये बात कहनी मैं जरूर ठीक समझूंगी यहाँ पर कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, वो सरकारी महकमों से नहीं आते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही,
कहीं ना कहीं नौकरियों के भी उनकी शायद जब सेटबैक हुआ था सवाल, तो वो भी हुआ सवाल के, सवाल केवल वो नहीं है, सवाल केवल वो नहीं, सवाल ये है कि आखिर जो जो पेरेंट्स का कहना है कि जिन तमाम चीजों के लिए फीस को बढ़ाने का कहा जाता है स्कूल मोटी कमाई कर रहा है, ये एलिगेशंस मतलब मैं इसको कहूंगी कि अगर ऐसे उछालने वाली बात नहीं है, आप प्रिंसिपल से मिलिए, उनसे बात करिए, हमें मैम ये दिक्कत आ रही है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं कि पीटीए के पब्लिक जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनके साथ मिलजुल कर फीस बढ़ाने का फैसला किया जाना चाहिए? देखिए पहली बात तो मैनेजमेंट इतना सक्षम होता है कि वो कर सकता है, उसको अनदेखा पीटीएम को नहीं करना चाहिए, पीटीए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो भी समझे सरकार का आदेश आया अप्रैल में जब स्कूल स्टार्ट हो चुके थे, सेशन शुरू हो चुका था मार्च में, नहीं सर भुवनेश्वर जी मार्च में एडुकेशन डिपार्टमेंट में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि आप फीस बढ़ा रहे हैं, डायरेक्टर नॉमिनी इसमें आता है, या तो ये रूल पहले आया होता तो डेफिनेटली अगले साल ये लागू होगा, क्यों नहीं लागू होगा, जब सरकार ने कह दिया है तो 200% लागू होगा, इस वक्त जब ये रूल आया तब सेशन चालू हो चुका है। आप इत्तेफाक रखते हैं बस? मैं ये मानता हूँ कि स्कूल को और पीटीए को मिलकर इकट्ठा चलना चाहिए, और दूसरी बात जो है सब स्कूल तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर हैविंग आर यू नो आर करप्ट, पैसे जोड़ रहे हैं, और आई गॉट स्टैटिस्टिक्स जिन स्कूल के जो टोटल डिपॉजिट है वो करोड़ों में है, 5 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़, अगर पीटीए की इंडिफरेंस आ गई तो पेरेंट का तो ये बोलना है कितने पैसे को दबाया हुआ, पहले तो इसको एब्जॉर्ब करो और उसके बाद फीस कम करो, सब्सिडाइज करो। दूसरी बात क्या है कि ऑल यू नो कि ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ओके, सब स्कूल करप्ट नहीं है, ठीक है, कुछ स्कूल्स क्या कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने बोला 10% बढ़ा रहे हैं, बढ़ा तो ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन आपका ये जो जो बाकी 50% वो बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं आपके डेवलपमेंट फीस के नाम पे चार्ज पे, और मतलब जो एडवांस फीस होती है जो भी पूरे साल की, एक स्कूल है आपका वसुंधरा में, उनके लास्ट ईयर क्वार्टरली चार्जेस 10,000 देने पड़ते थे, इस साल 15,000 देने पड़ रहे हैं, उन्होंने नर्सरी के बच्चे के आईटी चार्जेस जहां कंप्यूटर सिखाया नहीं आता वो चार्ज लगा के फीस भेज दी है। एक स्कूल है जिन्होंने 8,000 रुपए ओरिएंटेशन होती है, लगाम लगे आखिर कैसे, कौन, क्योंकि सरकार लगता है लाचार नजर आती है। हम शिक्षा मंत्री से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। भरना पड़ती है फीस बढ़ाने को लेकर स्कूल और पेरेंट्स फिर आमने सामने, स्कूल सरकार के नियमों की परवाह नहीं करते और पेरेंट्स भी स्कूलों की मनमानी पर घुटने टेकने को तैयार नहीं। उधर इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठने लगे कि आखिर कोई भूमिका है भी या नहीं। फीस बढ़ाने और पीटीए की बहाली को लेकर अभिभावक हर तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन के फीस बढ़ाने को लेकर अपने ही तर्क हैं। फीस कम करवाने के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट है, किसी को भी आज 100 रुपए इतनी महंगाई हो रही है, उस महंगाई के अंदर किसी की भी 100 रुपए की कम हो जाती है तो खुश होगा, चाहे उसके बदले में स्कूल को जितनी मर्जी तकलीफ हो। फीस पीटीए से अप्रूव कराने का ज्यादा है, जो फीस रेगुलेशन की बात है वो एक बहुत अहम है जो पावर डायरेक्टरेट के पास है, और डायरेक्टरेट फीस रेगुलेट करने की पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते पीटीए को। उस पर हैरानी की बात ये है कि फीस बढ़ाने को लेकर सरकारी सर्कुलर के बारे में स्कूल प्रशासन को कुछ पता ही नहीं। इनवाइट होगी लेकिन देयर आर नो ऑर्डर्स के भी फीस कम करें, इस तरह का कोई सर्कुलर या कोई नोटिस या कोई नहीं आया। सरकारी नियमों की अनदेखी कोई नई बात नहीं है, स्कूल प्रशासन अपनी सुविधा के मुताबिक काम कर रहे हैं, वो ना तो पीटीए बहाल कर रहे हैं और ना ही फीस बढ़ाने का अपना फैसला बदल रहे हैं। जाहिर है ज्यादातर अभिभावक ये मानते हैं कि सरकार निजी स्कूलों की इस मनमानी पर लगाम लगाने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड तो है, इसमें तो कहीं कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी स्कूलों की मनमानी चल रही है वो सिर्फ इसी कारण है कि स्कूलों की तरफ से स्कूलों को जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज है वो पूरा कंट्रोल नहीं करती। फीस बढ़ाने का ये मुद्दा काफी पेचीदा होता जा रहा है, सरकारी नियम बनते हैं पर उनका पालन नहीं होता, स्कूल अपनी ढपली अपना राग गा रहे हैं, इन सब के बीच कोई पिस रहा है तो वो है अभिभावक। पेरेंट्स एक बार फिर है परेशान, मामला फीस बढ़ाने को लेकर है। एक तरफ सरकार तय सीमा पर फीस बढ़ाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन कहता है कि सरकार ने उन्हें कोई भी डायरेक्शन दिया ही नहीं है। मामला साफ है कि सरकार